मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। सुन ले जरा, ये साजिश का मुझे पहले पता था और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने, मैं क्या किया। मैंने नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। देखिए, फिर से सुन लें और चुप करके सुने, मैं आपके सामने अहम बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, साजिश है, और साजिश यह है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए। मुझे मारने की साजिश है और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं, मैं तो सियासत नहीं समझता, मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की, इनमें सबके मैंने नाम लिए। बस बस, इनमें सारों के मैंने नाम लिए जिन्होंने ये प्लानिंग की, और एक एक का नाम मैंने कहा कि ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग करके एक बैरूनी मुल्क साजिश जिसमें ये सारा इस मुल्क का करप्ट टोला उसके साथ मिलके, और कौन कौन मजीद लोग इनके साथ थे, इन्होंने जो मेरी गवर्नमेंट गिराई है और जो आगे ये करने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का इंतजाम नहीं होता, हमेशा ताकतवर बच जाता है और किसी और के नाम पे जो भी कत्ल होते लगता है। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, करवा के रखी हुई है, महफूज रखी हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये चाहता हूं कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, इस मुल्क की तारीख है, कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो, सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। और मैं दूसरी बात करता हूं, और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की
कि जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे इनको सजाए हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते, वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। सियालकोट के लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन तब ये कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते। ये है हमारा तबाही का रास्ता। मैंने जो आपको इस्लामाबाद में बुलाया एक वजह से कि अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर ये डाकुओं के खिलाफ जिन्होंने साजिश के तहत आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप इनके खिलाफ आप नहीं निकलेंगे मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आप ताकतवर मुजरिमों को, डाकुओं को नहीं पकड़ते और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं, वो मुल्क बचता नहीं है। हजरत अली रजील्ला ताला ने इनके ऐसे ममालिक के जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकते उनके मुतालिक कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारे सामने तबाही है। अगर हम सब एक कौम बन के नहीं निकले और अगर हमने इनके खिलाफ जहाद ना की, मेरे पाकिस्तानियों, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, उधर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की हुक्मरानी जिसको कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। जब तक एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ते, ये है हमारी जहाद। और सियालकोट के लोगों, आपने जब मैं 20 के बाद कॉल दूंगा, आपने सब इस्लामाबाद पहुंचना है। एक जूते का था मोहार, चलो चलो इमरान के साथ, एक जूते का था मोहार, चलो चलो इमरान के साथ, साफ चली शफाफ चली,